हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू विल बी डूइंग गुड। हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज डाउन साइजिंग, एंड हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज डाउन साइज क्यों किया करती हैं और किस तरीके से किया करती हैं। हमारे पास पाकिस्तान में डाउन साइजिंग करने का क्या फॉर्मूला है, क्या मेथड है जो यूज होता है, और वो किस तरह से बेहतर हो सकता है, किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है। तो पहले हम कुछ बुलेट्स में ये डिस्कस कर लें कि कंपनीज डाउन साइज क्यों करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ क्यों करती हैं। देखिए, उसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं जिसमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती हैं उस कंपनी में, उसके अलावा प्रोसेस ऑटोमेशन हो सकती है, उसके अलावा रीस्ट्रक्चरेशन हो सकती है, देन कोई सीजनल फैक्टर इसमें ऐड हो सकता है कि जिसकी वजह से कंपनी को डाउन साइज करने की ज़रूरत हो, परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं, और इसके अलावा पेंडेमिक लाइक कोविड-19 जैसी सूरत हाल, क्राइसिस सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को डाउन साइज करने का, अपने अपने कंपनी साइज को डाउन साइज करने का या अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने का प्लान करती है। अब सवाल ये उठता है कि डाउन साइजिंग इज नॉट अ बैड थिंग, जिसको हम राइट साइजिंग कहते हैं, राइट साइजिंग होनी चाहिए, हुआ करती है, इसमें कोई मज़ाक नहीं है, लेकिन उसकी जो अप्रोच है वो किस सूरत हाल में क्या होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत मैटर करता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी कंपनी में डाउन साइज करने की इंस्ट्रक्शंस जारी होती हैं या उस पर अप्रूवल आता है, तो उसके बाद जब हम एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने के लिए काम शुरू करते हैं तो हम अपने हर डिपार्टमेंट की लिस्ट बना के कि जनाब किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कौन सा डिपार्टमेंट हमें ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है, फिर वो जो डिपार्टमेंट कॉस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, जब हम उसको उससे शुरू करते हैं तो हम उसका जो इनिशियल जो जो लोअर स्टाफ है हम उनसे स्टार्ट करते हैं कि पहले ये ड्राइवर्स को उड़ा दो, उसके बाद ये जो ऑफिस बॉयज़ हैं इनको, अगर ये 10 हैं तो इनको 2 कर दो, ठीक है, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर ऑफिसर लेवल, फिर एग्जेक्टिव लेवल, और फिर हम टॉप लीडरशिप की तरफ आते हैं। मैंने ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम देखी हैं, मैं अपने करियर में मेरे ख्याल एक बंदा ऐसा मैं जानता हूँ, इन पर्सन जानता हूँ, कि जब उसकी कंपनी में डाउन साइजिंग करने की बात आई और जब उसके डिपार्टमेंट में डाउन साइज करने की बात आई तो उसने कहा कि जनाब हमारे पूरे डिपार्टमेंट की जो सैलरी है वो फॉर एग्जांपल 2 मिलियन है और आपका जो टारगेट है वो इसको 2 से 1.5 मिलियन तक लेके आने का प्लान है। तो मैं 50-50 हज़ार पे काम करने वाले अपने 10 बंदों को ले ऑफ करने से प्रेफर ये करूँगा कि मैं खुद विदड्रॉ कर लूँ और आप जो लोग काम कर रहे हैं मेरी टीम में उनको काम करने दें, मुझे पता है कि कौन क्या काम कर रहा है, मैंने उनकी प्रॉपर वो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करके मैंने उनको टास्क असाइन किए हुए हैं एंड दे आर डूइंग गुड, ठीक है। अगर उनमें से कोई एक बंदा भी हिलता है निकलता है, काम का भी उस पर हर्ज आएगा, प्लस उसकी फैमिली पे, उसके डिपेंडेंट्स पे, उसका जो अपना किचन है, जो अपना सर्कल है, वो भी इफेक्ट होगा। तो मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूँ कि जिसने खुद विदड्रॉ किया बीइंग अ डिपार्टमेंट हेड, कि जनाब मैं अपने आप को स्पेयर कर रहा हूँ, आप अपनी कॉस्ट यहाँ से पूरी कर लें, इस डिपार्टमेंट को ना छेड़िएगा, ये सही काम कर रहा है। तो ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम होती हैं। होता यही है जैसे मैंने अर्ज किया कि जो जूनियर स्टाफ है, जो लोअर स्टाफ है हमारा, वहाँ से हम शुरू करते हैं, और अगर फॉर एग्जाम्पल 1,000 एम्प्लॉयज हैं, गिव मी अ मिनट जी, अगर 1,000 का स्टाफ है और उस 1,000 के स्टाफ में से अगर टारगेट ये है कि हमने 1,000 से कम करके इसको 750 पे लेके आना है, तो वो 250 जो लेबर है, जो वर्कर है, या जो एग्जेक्टिव लेवल पे जो स्टाफ है, ऑफिसर लेवल पे असिस्टेंट्स हैं, उनको हम ले ऑफ कर देते हैं, और कॉस्ट की अगर बात करें तो हम कॉस्ट को भी इसी तरह कम करने के लिए नीचे से ऊपर शुरू करते हैं, जबकि इसका एक बेहतरीन तरीका हो सकता है जो कि आप
वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के थ्रू एक मेथड होता है कि जिसमें आप किसी भी डिपार्टमेंट की जो स्ट्रेंथ है और कितना उस पर वर्कलोड है उसको इवेल्युएट करके कि जितने लोग इस डिपार्टमेंट में चाहिए क्या उतने हैं या उस पर कुछ सरप्लस है, और फिर जो लोग एक्सीड कर रहे हों उस रिक्वायरमेंट से आप उनकी एक लिस्ट क्रिएट करें और फिर उन पे काम शुरू करें। अब वो वाला प्रोसेस क्या है और किस तरह से है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, और बाकायदा तौर पे मैं उसकी एक एक्सेल शीट जिस पर फॉर्मूलाज लगे हुए हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, ताकि उसको यूज़ करते हुए आप अपनी कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट की अगर आप वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करना चाहें, उनकी उनका वर्कलोड एनालिसिस करना चाहें, वो करके बड़ा आसानी से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कहाँ से आपको कुछ लोग निकालने की ज़रूरत है। और उससे ये भी मालूम पड़ेगा आपको कि किन डिपार्टमेंट्स में हमारे पास कुछ लोगों की मज़ीद अभी ज़रूरत है, तो शायद आप उन एम्प्लॉयज़ को के जो आप एक डिपार्टमेंट से निकाल रहे हैं वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप उनको शिफ्ट कर दें बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एजुकेशन और जो बेसिक क्राइटेरिया है। तो दिस इज़ अ लिटिल अबाउट द डाउन साइजिंग क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजूहत होती हैं, हमारे पास कंपनीज पाकिस्तान में कंपनीज इसको किस तरह से प्रैक्टिस करती हैं, ये मजीद किस तरह इम्प्रूव हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा।